Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I am here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IES, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7 minute current affair series called To the Point. Zid se Jeet Tak. Hi, everyone. बच्चे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये बहुत सिंपल है समझने के लिए इसको पहले छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे और आपको मान लो एक बिजनेस करना हो राइट और हम एक बिजनेस कर भी रहे हैं बहुत सालों से लेट अस लेटर दिस कि हम एक बिजनेस बहुत सालों से कर रहे हैं राइट तो ये हमारे फायदे में रहेगा कि आप और मैं अगर एक दूसरे के साथ में हमारी बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर कर दें हम नॉलेज शेयरिंग कर लें राइट right. तो अगर मैं आपको कुछ बताऊंगा आप मुझे कुछ बताओगे तो टेक्निकली ओवरऑल नॉलेज इंक्रीज हुई है और दोनों को एक एक चीज नहीं पता लगी है राइट right? यही पर्पस होता है किसी भी कॉन्फ्रेंस का कहीं पे भी होने का राइट कॉन्फ्रेंस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप लोग नॉलेज शेयर करते हो बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करते हो आइडिया शेयर करते हो डेटा शेयर करते हो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट ओनली उसके पीछे जो लॉजिक है वो मैंने आपको यही बता दिया कि अगर आपको दो चीजें पता है मुझे दो चीजें पता है है ना और आपके लिए उनमें से एक चीज नहीं है मेरे लिए एक चीज नहीं है तो इन टोटल अब दोनों को तीन तीन चीजें पता है राइट ओवरऑल हमारी नॉलेज जो है वो इंक्रीज हुई है एंड एंडहेंस वी डू द कॉन्फ्रेंसिस राइट वैसे ही जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चे ये भी इंटरेस्टिंग है इट इज एक्सक्यूज मी इट इज ग्लोबल पल्सिस कॉन्फ्रेंस है ना ये बच्चे एक एनुअल इवेंट है ये आपको यूपीए अगर पूछेगी तो इसी स्टाइल से पूछेगी तो सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैंने आपके यहाँ पे ऑलरेडी डाल दी हैं राइट द कॉन्फ्रेंस इज एन एनुअल इवेंट दैट इज कंसिडर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इवेंट इन दी पल्स इंडस्ट्री ऑर्गेइज बाय ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन हमें पता है हमने क्लास में डिस्कस किया था कि कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है राइट इट इज अ फोर डे इवेंट दैट ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर इन ये मैंने आपको बता दिया कि कहीं कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका यही मकसद होता है कि टू शेयर इन साइट्स है ना कोई कोई ऐसी बात होती है या कोई नॉलेज शेयरिंग है या कुछ भी है इसलिए ये जो चीज है वो होती है द कॉन्फ्रेंस ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड द ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन ये आपको ना आपके प्री के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है एंड इनकेस अगर आप एच सी पीसीएस वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे बच्चे तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ग्लोबल पल्सिस कॉन्फ्रेंस ये कौन कौन मिलकर करवाता है तो दिस इज आंसर उसका

अगर आप मेन्स के भी आंसर लिखते हो अगर वहां पर वो स्टेक होल्डर की बात करता है सो दीज आर दी पीपल जो स्टेक एक्चुअली है है उसमें ना तो स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस है और 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 ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस कर, कौन ही करेगा राइट जो अगर लोकेशन का कोई सवाल आता है तो इट वॉज हेल्ड इन न्यू डेली इंडिया वैसे कोई आएगा नहीं एक बार ही हम छोटा सा शॉर्ट नोट देख लेते हैं ग्लोबल पल्सिस कॉन्फेडरेशन पे राइट इसके बाद एक थोड़े से शॉर्ट नोट्स और देखेंगे देखेंगे पल्सिस का स्टेटस क्या चल रहा है इंडिया में राइट ये भी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं जीपीसी इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट द एंटायर पल्स इंडस्ट्री चेन ठीक है जी इट रिप्रेजेंट ऑल सेगमेंट कौन से होंगे पल्स इंडस्ट्री चेन में पल्स इंडस्ट्री इंक्लूडिंग ग्रोअर्स रिसर्चर्स ट्रेडर्स एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स गवर्नमेंट बॉडीज एंड कंज्यूमर्स ठीक है जी इसके बाहर कोई भी नहीं होगा थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही है ग्लोबल पल्स चेन चेन के अंदर राइट और ये जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ये जो पर्टिकुलर कॉन्फेडरेशन है इंडियन पल्स ग्रेन एसोसिएशन आगे चलते हैं पल्सिस हैं क्या ये भी आपके लिए बस एक छोटी सी स्लाइड में लेके आए पल्सिस हैं क्या पल्सिस आर ए कैटेगरी ऑफ क्रॉप दैट बिलोंग टू दी लेग्यूम फैमिली बच्चे ये ना अभी देखने में आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा बट यूपीएससी में जब सवाल आता है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है तो इट इज बेटर कि आप इसको डिटेल में देख लो एक कि क्या चीज है हाउ एवर सिंपल इट मे सीम टू यू दे आर कैरेक्टराइज बाय दे ड्राई एडिबल सीड्स एनक्लोज इन पॉड्स पल्सिस आर एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन फाइबर वाइटामिन मिनरल्स एक्सेट्रा ये पल्सिस कंटेंट ट्वेंटीन बाय वेट ठीक है बच्चे तो मान लो बीस से पच्चीस आपको नहीं ध्यान में आया क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे तो बट है इंडिया इज पोजिशन एट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अकाउंटिंग फॉर ट्वेंटी ग्लोबल प्रोडक्शन कंज्यूमर एंड इंपोर्टर ऑफ पल्सिस देखिए जरा डेटा क्या बोल रहे कुछ कहना चाह रहा है आपसे डेटा यहां पे इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी कर रहा है सबसे ज्यादा कंज्यूम भी कर रहा है और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी कर रहा है दैट मीनस कि इंडिया सही से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है अगर इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो इंडिया शुड बी द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज वेल पर इंडिया तो इंपोर्टर है, है ना तो पल्सिस की जो पल्सिस uh, का जो सेगमेंट है हमारे प्राइमरी सेक्टर में वो कुछ इस तरीके से इम्बेलेंसड है ना तो इनकेस अगर इसके ऊपर सवाल आता है इसके चांसेस है भी ज्यादा तो इसके ऊपर आता है तो आप इस एंगल के अराउंड थोड़ा सा फिडल अराउंड कर सकते हो अगर क्वेश्चन आपको विगल रूम दे रहा है टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन दी कंट्री अगर मान लो आप आंसर वास्तर लिख रहे हो तो इसको टारगेट्स में कन्वर्ट कर दो कि क्या करना है ये ये की जा सकती हैं पल्सिसबी पल्सिसंट्रीब्यूट मोर देन सिक्स परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन बच्चे ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनसीआर में लिखा हुआ नहीं मिलता है मोस्टली ग्राम इज द मोस्ट डॉमिनेंसिंग अयेर ऑफ अराउंड फोर्टी परसेंट इन दोडक्शन फॉर्ड बाई तूर अरहर एट फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट एंड उर उंड एट टू टेन परसेंट है न? और ये आपकी टॉप प्रोड्यूसिंग अवेलेबल है ये एनसीआर में शायद से नहीं है यूपीएससी जो हो सकता है इसको पूछ यू सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दिस सेवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइन फॉर योर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर यू प्लीज चेक आउट आई एस current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.